Hi, I'm Dr PK Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. Hi, I'm Dr PK Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. तो कुछ महीने पहले मैंने एक बच्ची का ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया था, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और तब उसने मुझसे कहा था कि सर, आपके हमने कई वीडियोस देखे हैं, लेकिन आपने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद कुछ पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और अभी रिसेंटली भी कुछ देर पहले एक और बच्ची की भी यही क्वेरी आई, तो मुझे याद आया कि हाँ, मुझे इसके बारे में भी कुछ कहना है आप सबको। तो जो आप लोग जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी पड़ेंगी, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा बैठे, जो ब्रेस्ट का लेवल है उठी रहे ब्रेस्ट। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं पेशेंट को ताकि अंदर इन्फेक्शन का डर न रहे, और आपका डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक या पेन किलर देता है वो आप बराबर लेते रहें। दूसरा ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमने इम्प्लांट डाला है तो वो सेटल हो जाए ब्रेस्ट के साथ, इसलिए कोई आपको जो वायर वाले जो ब्रा होते हैं हार्ड, वो आप ना पहने, बल्कि हम चाहेंगे कि वो उसको हटा दें आप, या तो सर्जिकल ब्रा पहने, या जिस तरह से आपके डॉक्टर ने टेप वगैरह लाया उसको कुछ दिन के लिए रहने दें, और उसके बाद आप ऑर्डनरी ब्रा पहने, वायर वाली ब्रा बिल्कुल ना पहने, क्योंकि वो सराउंडिंग टिश्यू में हम चाहेंगे कि जो इम्प्लांट है वो जो अच्छी तरह से मर्ज हो जाए उसका। उसके अलावा फिर एक आपको मसाज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जब भी हम डालते हैं तो वहाँ एक कैप्सूल बन जाता है, एक झिल्ली बन जाता है। एक्चुअली वो झिल्ली क्या होती है कि बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, तो बॉडी उस इम्प्लांट के खिलाफ एक किला सा बना देती है, किले की दीवार बना देती है, झिल्ली होती है वो एक तरह से, लेकिन वो बनाती है ताकि उसके कारण बॉडी को कोई हानि ना हो, तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको हम लोग जो है कैप्सूल बोलते हैं। लेकिन किसी कारण से कैप्सूल कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए तो ब्रेस्ट हार हो जाएगी, तो इसलिए डॉक्टर आपको मसाज भी बताते हैं, तो आपको एक मसाज भी करना बहुत ज़रूरी होता है जेंटली, जिससे कि आपकी पॉकेट बड़ी रहे, आपके जो इम्प्लांट है उतने ही एरिया में सेटल हो जाए अच्छी तरह से, कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका ना मिले। तो छोटी छोटी सावधानियाँ जो आपको करनी पड़ती हैं, और शुरू शुरू में हम ये भी कहते हैं कि भाई 5 से 7 दिन तक इसके ऊपर पानी ना पड़ने दें। फिर ये जो होता है एक्सरसाइज के बारे में, हम लोग बोलते हैं कि आपको कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद। यूजुअली 2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको जिमिंग करनी है या कोई हैवी लोड उठाना है तो वो यूजुअली आप 4 से 6 हफ्ते के बाद शुरू करें, क्योंकि तब तक जो है टिश्यूज में की पूरी हीलिंग हो चुकी होगी, बॉडी उस हिसाब से सेटल हो चुकी होगी, और आपके मसल्स वगैरह जो हैं वो उनकी रिकवरी अच्छी हो चुकी होती है। तो इस तरह से जो वो जो एरिया है वो अच्छा हील हो चुका था, उसके बाद हैवी एक्सरसाइज करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते हैं। फिर हाँ, एक सिकाई आप कर सकते हैं, जब अगर आपको कुछ कभी पैरास्थीसिया हुआ है या कुछ सेंसेशन चेंजेस आए हैं या हल्का सा कभी दर्द हुआ, तो आप थोड़ी सिकाई उस जगह की कर सकते हैं ताकि ब्लड सप्लाई उस जगह की थोड़ी और अच्छी हो जाए, जो आपकी हीलिंग में सहयोग देती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, और आपको उसी हिसाब से उसका पालन करना है। तो इसमें नथिंग वेरी सीरियस और नथिंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग। तो छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हीलिंग और अच्छी हो जाएगी, और आपको रिजल्ट भी नेचुरली अच्छा मिलेगा अगर आपकी हीलिंग ठीक तरह से होती है, अच्छी हीलिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ब्रीफली, छोटे में, संक्षिप्त में मैं आपको बता सकता हूँ कि पोस्ट ऑपरेटिव आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह की सावधानियाँ लेनी है, और इसके अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा सावधानी चाहते हैं तो वो आपके डॉक्टर, आपके कॉस्मेटिक सर्जन आपको बताएंगे विशेष तौर से जब आप उनके पास जाएंगी। और बाकी आपको सर्जरी के बारे में कोई डरने की बात नहीं होती कि कोई बड़ा, कोई बहुत ही एक्स्ट्रा आपको कोई प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे या आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का डर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बड़ी सिंपल सर्जरी होती है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने में सफल हुआ हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है ब्रेस्ट सर्जरी से रिलेटेड, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हम खुशी खुशी विल गेट बैक टू यू, और आपके किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेरी का आंसर देने में हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।